तो एक सुनिए, मुझे एक बात आप सबके साथ शेयर करनी थी कि जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, उसके बाद जब मैं अपने मायके में आई थी कुछ टाइम के लिए, तो उस टाइम मेरे पापा जी का जन्मदिन आया था, याद होगा आपको। ये बात है, देखो मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी अगस्त में, 18 अगस्त को, और मेरे पापा जी का जन्मदिन आता है 4 अक्टूबर को। तो मेरा पापा जी के जन्मदिन के लिए केक लाया गया था उस टाइम, ठीक है। और उस टाइम मुझे बुरा लगा था, और सीरियसली मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मैं ये देख रही थी, जब क्योंकि उस टाइम मैं मेरे मायके में थी, और मैं ये देख रही कि मेरे तो हालत ऐसी खराब हुई पड़ी है, और मेरे घर में केक काटा जा रहा है ना। तो मुझे बहुत गंदा लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। तो मुझे इस चीज से ऐसा फील हो रहा था कि ना यार, देखो किसी को किसी के दुख से क्या फर्क ही नहीं पड़ता, कि सबकी अपनी अपनी लाइफ चलती रहती है, और हम इतना, क्योंकि हमारी हालत ऐसी है कि हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, पागल हुए पड़े हैं अपने पति को याद करके। और उस टाइम मेरे साथ खुद हुई ये चीज, मेरे मायके में केक कट किया गया था, है ना। तो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, है ना। मेरा मूड बहुत खराब हुआ, मन करा यहाँ से भाग जाओ, है ना। कोई किसी को नहीं समझता, ये सब चीजें हुई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बात बोलती हूँ, लेकिन उस टाइम मुझे बुरा लगा, लेकिन उसके बाद एक दो दिन बाद मैंने सोचा शांति से, दिमाग से, कि चल कोई नहीं यार, मेरे पापा जी का 65वां जन्मदिन था, कौन सा, इतना कहीं होटल में नहीं गए, कुछ नहीं किया, सिर्फ एक केक घर पे मंगवा के कट कर लिया, है ना, केक खा लिया। जबकि मैंने वो केक नहीं खाया, मेरा अंदर ही नहीं जा रहा था, मेरा दिल ही नहीं किया वो खाने का उस टाइम, ठीक है। तो मैं ये सोच रही थी कि चलो कोई बात नहीं, केक काटा, क्योंकि देखो यार आज के टाइम में किसी का कोई भरोसा नहीं है ना जिंदगी का। तो चलो कोई नहीं, कम से कम एक याद तो रहेगी, अगर मेरी वजह से अगर वो लोग सेलिब्रेट ना करते, अपना एक केक ना काटते, तो फिर बाद में मुझे कितना बुरा लगता कि देखो मेरी वजह से वो लोग अपनी लाइफ में ऐसे रुक गए हैं, तो बुरा लगता, तो दोनों तरीके से ही बुरा लगता। तो उस टाइम की बात ये थी, लेकिन उसके बाद आज मैं वो पॉइंट सोच तो मुझे आज बुरा नहीं लगता, मुझे लगता है चलो कोई नहीं, क्योंकि देखो अब लाइफ में 2-2.5 साल हो गया, तो चीजें समझ में आता है कि इंसान जब जीता है तो उसको रोटी भी खानी पड़ती है, जीना भी पड़ता है, सांस भी लेना पड़ता है, चलता है, लाइफ गोज़ ऑन। और किसी के जाने से सिर्फ उसके आसपास वालों को फर्क पड़ता है जो उससे रियली अफेक्टेड हो, अदरवाइज हर किसी को नहीं होता फर्क पड़ता, ठीक है। उनको ये लगता है कि चलो दुख होता है, लेकिन इतना मतलब डीप दुख, अगर मैं जो दुख अभी फील कर रही हूं, मैं ये उम्मीद नहीं कर सकती कि सामने वाला बंदा भी वही दुख उतना ही लेवल का फील करेगा, या वो भी वैसे ही मेरे इक्वेशन के साथ चलेगा, है ना। क्योंकि सबकी दुनिया चलती है, लेकिन जिस इंसान का कुछ जाता है ना, उस इंसान की लाइफ खराब हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे कुछ बात करनी थी, ठीक है। ये मेरे को हिट करी वो चीज, क्योंकि ये चीज मेरे साथ हुई थी। और इस चीज पे पता है क्या हुआ था, कि उस दिन फोन आ गया था, मतलब फोन पे बात हो रही थी, कुछ बात हुई, तो देखो मेरा दिल सच्चा था, ठीक है। तो उस टाइम आई थिंक, हाँ, मेरी सास के पास मैंने उस टाइम फोन किया था, और ना मैंने उस टाइम बोला कि ना मेरे पापा जी का जन्मदिन है, अभी केक काट रहे हैं। मैंने तो जो था बोल दिया, मेरे को थोड़ा था कि उनको ये चीज, उस टाइम मैं यूट्यूब पे नहीं थी, तो उन्होंने मेरे को इतना सुनाया, इतना हमें उल्टा सीधा बोला, मेरे ससुराल वालों ने बोला तुम तो केक काट रहे हो, तुम तो सेलिब्रेशन कर रहे हो, बल्कि सेलिब्रेशन जैसा कुछ नहीं करा था, सिर्फ एक केक सिंपल सा मंगवा के बस एक केक कट करा था पापा का, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये नहीं पड़ा, मतलब बहुत सुनाया, बहुत ज्यादा, है ना। तो इस चीज से मैंने ना एक चीज हिसाब लगा लिया, देखो मैं तो उस टाइम सोशल मीडिया पे नहीं थी, मेरा तो दिल सच्चा था, मुझे इतनी समझ नहीं थी, मैंने बात ससुराल में फोन पे बता दी उस टाइम की, मतलब ऐसे कर रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, और मेरे को दिमाग में भी नहीं आया कि यार उनको बुरा लगेगा या लगेगा। लेकिन उस बात से पता है, फिर मेरे को ना एक चीज, देखो अब बात करती हूँ, अब मैं सपना की बात करती हूँ, ठीक है। अभी जो मैटर चला, देखो हमने पता है कि देखो सपना के हस्बैंड की डेथ हुई, पूरी दुनिया दुखी है इस टाइम, है ना, वो चीज पता है। हम खुद 10-15 दिन, तो मेरी हालत खराब थी 15 दिन, पता है जब ये न्यूज पता चली, मेरा खुद ब्लॉगिंग करने का ही दिल नहीं कर रहा था, ऐसी हालत थी मेरी, ठीक है। तो मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो फिर उन्होंने क्या किया कि देखो केक कटिंग करी, बात मैटर बता देती हूँ, जो उसके भैया थे, जो सपना के भैया थे, उन सगे भैया, उनके बेटे का जन्मदिन था शायद, है ना, 1 साल का हुआ था। तो उन्होंने वीडियो में बोला कि हम कुछ फंक्शन नहीं कर रहे, सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, बस एक छोटा सा केक लाके बच्चे का कट कर रहे हैं, ताकि कल को बच्चा बड़ा हो तो उसको लगे कि हाँ उसका जन्मदिन बनाया था, थोड़ा सा इसकी खुशी के लिए कर रहे हैं, बस केक कट कर रहे हैं। तो केक काटा था उन्होंने, वो प्रॉपर वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला, ठीक है। तो इस बात पे क्या हुआ कि फिर उसकी फ्रेंड थी जो सपना की, उसने वो वीडियो दिखा के सपना से पूछा कि सपना ये क्या हो रहा है, देख तू तो ये लाइफ में इतना दुख है, और तेरे परिवार वाले तो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, खुश घूम रहे हैं। तो उसमें सपना ने रिप्लाई में बोला कि क्या करें, मेरे लाइफ में इतना दुख है, और मेरे मायके वाले जश्न बना रहे हैं, खुश हैं, कोई किसी का नहीं होता, मतलब इस तरीके से वो भी मायके वालों से मतलब थोड़ी नाराज हो गई इस बात पे। अब ये मैटर मैंने थोड़ा सा बताया कि हुआ क्या। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज अपनी अपने एक बात बोलना चाहूंगी यहाँ पे, जो मैंने देखी है, समझी है,
यहाँ पे ना सब ना उसके दोस्त को गालियां दे रहे हैं, है ना। कि देखिए सबसे पहली चीज तो देखो यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है कि देखो अगर वीडियो अगर सेलिब्रेशन किया था उसकी वीडियो यूट्यूब पे नहीं डालनी चाहिए थी, इसका कारण है। देखो सपना को इतना बुरा नहीं लगेगा बट सपना को सुनने को जरूर मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि अब मायके वाले जो भी काम करेंगे ना वो ससुराल में रह रही है, कल को उसके सास ससुराल वाले ही बोल देंगे, कोई भी बाहर का मतलब सास ससुर भी ना बोले कोई और बंदा ही बोल देगा कि देखो हमारे तो घर परिवार में इतनी पड़ी है और ये लोग केक काट रहे हैं, तेरे मायके वाले कैसे हैं। मायके का ताना उसको ससुराल में सुनने को मिलेगा ही मिलेगा, कोई ना कोई सुना देगा, और जब उसको सुनाएगा तो वो चीज उसके दिल पे खटकेगी और फिर उसको और ज्यादा बुरा लगेगा। तो उसके दोस्त की बात नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो, उसकी फ्रेंड की बात नहीं है। अगर मायके वाले देखो अगर आपकी लाइफ में कोई इतनी बड़ा हादसा हो गया उसके बाद मायके वाले हंसी खुशी वाले इस तरीके के वीडियोस लेकर आएंगे, वीडियो डालेंगे, तो उसे ससुराल वाले उसी को सुनाएंगे यार, उसको तो वहां पे रहना है ना। इसीलिए उसका सोच के थोड़ा सा कि यार उसको ससुराल में एडजस्ट होना है, ऐसी सिचुएशन के बाद एडजस्ट होना कितना मुश्किल होता होगा ससुराल में, तो मायके वालों को थोड़ा सोचना चाहिए और ऐसी कोई भी चीज ना करे अपनी वीडियोस में जिसकी वजह से उसको वहां पे दिक्कत आए रहने में, समझ रहे हो। वो चीजें हो जाती है यार, लड़की को बहुत कुछ कर को वो ना सुनाए, कोई आसपास वाली सुना दे, कोई रिश्तेदार सुना दे कि देख तेरे तो मायके वाले ऐसे है, तू तो ऐसी है, चिढ़ बैठ जाए ना। कभी कभी ससुराल में क्या होता है ना किसी एक बंदे के दिल में फिर चिढ़ बैठ जाती है किसी चीज की, वो जिंदगी भर सुनने को मिल जाता है फिर लड़की को ताना। तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए ना वीडियो नहीं डालनी चाहिए थी, पहली चीज मेरे को जो लगता है, ठीक है। दूसरी चीज जो उसकी फ्रेंड को गलत बोल रहे हैं, तो मैं उसको बोल दूं उसकी फ्रेंड की इतनी गलती नहीं है। मैं एक बार बताऊं मेरे में इतनी हिम्मत होगी क्या कि मैं किसी का भी स्क्रीनशॉट उठा के अपनी वीडियो में डाल दूं, ऐसा कभी कोई भी नहीं कर सकता, नहीं होती किसी में हिम्मत। और किसी का अच्छा दोस्त हो तो कोई नहीं करता, लोग कमेंट कर रहे हैं ना उसकी पर्सनल चैट आपने वीडियो में क्यों डाली, तो कोई नहीं डाल सकता यार किसी और की परमिशन के बिना, ये चीज आप थोड़ा सोचिए। तो 101% सपना की परमिशन थी इस चीज में, वो चाहती थी कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि ये चीज गलत हो रही है, तो उसने परमिशन दी होगी अपनी फ्रेंड को कि तू मैं तो ये बात बोल नहीं सकती वीडियो में, ये बात हुई होगी पक्का। क्योंकि देखो यार अभी क्या है ना लोग जजमेंट करते हैं और जजमेंट कहां पर मिल रहा है, अब जजमेंट में वो बीच में फंस गई है उसकी दोस्त, अब लोग गालियां उसकी दोस्त को मिल रही है सारी, हर कोई ये सोच रहा है कि उसकी दोस्त ने ये देखो ना बीच में आग लगा रही है, भड़का रही है या फिर स्क्रीनशॉट डाल रही है सपना की, उन दोनों की लड़ाई करवा दी। बट ऐसा नहीं होगा 100% बात पता है क्या होगी कि सपना ने खुद बोला होगा अपनी दोस्त को कि तू एक काम कर वीडियो बना दे और इस वीडियो में ये बातें बोल दे, मतलब ये चीजें 100% लिखवा लो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लड़की उठ के ऐसी वीडियो बना दे स्क्रीनशॉट छाप दे उसके फैमिली के अगेंस्ट और कुछ ना हो। क्योंकि अगर वो सपना खुद अपने मुंह से बातें बोलती ना कि हाँ मेरे मायके वाले ऐसे कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो लोग आधे लोग फिर उसको ही अगेंस्ट गालियां देना शुरू कर देते सपना को। क्योंकि ये चीज मैं भी फेस कर चुकी हूँ, अगर हम लड़कियां क्या होते हैं ना अगर मायके की या ससुराल की कहीं की भी एक बात मुंह से बोलेंगे ना तो लोग ये नहीं देखेंगे कि उसको बुरा लग रहा है गलत, ये एक सोच देंगे कि ये बुराई कर रही है। तो अब सारी बुराई मिल गई उसके दोस्त को, कोई उसको चलाक लोमड़ी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अरे ये बात भी तो सोचो ये 100% सच होगी कि ये सपना ने बोला होगा कि ये स्क्रीनशॉट उठा के वीडियो में डाल दे और लोगों को दिखा दे ताकि लोगों के दिमाग में एक डाउट चला जाए, समझ रहे हो आप वो चीज। और फिर जब वो वीडियो गया तो उसके भाई भैया ने क्या किया, वो वीडियो हटा दिया। अब मैं उसकी बात करती हूँ उसके भैया की, तो इसके भैया गलत नहीं है इस चीज में। जो लोग ये बात कर रहे हैं ना, या सपना को भी अगर ये बात लग रही है ना कि उसके भैया फेवर ले रहे हैं उसका कंटेंट उठा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। क्यों, इसका कारण है, हाँ मेरा बच्चा था उसके साथ खेलो खिलौनों के साथ, इसका कारण ये है कि देखो उसके भैया का चैनल आज से 2-2.5 साल पुराना है और उस आप पुराने वीडियोस पे व्यूज देखना 1000, 1500, 2000 से ज्यादा इसके भैया के व्यूज नहीं है। और इसके भैया ने कभी आज तक मैंने नहीं देखा कि सपना का नाम भी यूज किया हो पुरानी वीडियोज में, कभी भी उठा के कि उसके नाम से अपना चैनल चलाया। और दूसरी चीज सपना के परिवार के ससुराल के परिवार का जो चैनल्स है ना लाखों में व्यूज आज से नहीं 2.5-3 साल से आ रहे हैं, लाखों में व्यूज आ रहे हैं इनकी, मतलब अच्छी खासी मतलब चैनल यहाँ पे है। और इसके भाई का चैनल यहाँ पर भी नहीं था स्टार्ट, 2 साल से देख रही हूँ, मेरे सामने एक बार रिकमेंड में आया तो मुझे पता चला इसके भाई है। एक बार बताओ सपना का इस लेवल पे चैनल था आज तक 2-2.5 साल से, सपना ने एक बार भी कम्युनिटी शेयर करा या प्रमोशन किया अपने भाई का चैनल का या इनके फैमिली लोगों को? अब जाके पता चला कि सपना के भाई का भी कोई चैनल था मायके वालों का, कभी सपना के थ्रू पता चला? कभी सपना के थ्रू या इनके ससुराल वालों के चैनल्स के थ्रू पता चला? अगर चाहते तो ये मदद कर सकते थे ना पहले भी कि चलो यार चैनल है ऊपर चढ़ जाएगा, चलो भाई है वो भी कमा के खा लेगा। कभी भी चैनल का कभी इतना सा भी पता चला हो
कि हाँ कभी आज तक एक सिंगल कम्युनिटी शेयर हुआ इनके चैनल, इनके भैया का चैनल इनके चैनल पे। तो अगर हेल्प करनी होती या प्रमोशन करना होता तो यहाँ से होता ना। सोच के देखिए, वो तो अब इस सिचुएशन का क्या कोई फायदा उठाएगा, वो अपनी लाइफ दिखा रहे हैं और उनकी लाइफ में जो चल रहा है वो वही तो दिखाएंगे। उनकी मायके वालों की जो जिंदगी में चल रहा है, उनकी मायके वाले की जिंदगी में यही टेंशन चल रही है। जब उनकी बहन के साथ ये हो गया तो वीडियो में वही चीजें तो आएंगी। आप ये चीज सोचिए ना, तो उसमें व्यूज का क्या चक्कर पड़ा। अब ये चीज सोच के देखिए, और आपको दिख नहीं रहा व्यूज में, वीडियोस में भी वो कितना डरे सहमे करके वीडियो बना रहे हैं, डर डर के कि कल को कोई बात ऐसी ना निकले। मतलब होता है यार, बहुत चीजें होती है, बट इसमें मुझे कहीं भी नहीं लगा कि वो लोग बेनिफिट ले रहे हैं सपना का, कहीं से नहीं लगा। लेना होता तो बहुत पहले लेते, है ना, बहुत पहले लेते। सपना तो पहले भी मायके में बहुत बार आती थी, उसके कितने ब्लॉग्स बनाते थे ये लोग, कुछ भी नहीं बनाया। और सपना ने कभी भी फेवर क्यों नहीं दिया अपने भैया को? मतलब एक भैया को फेवर होता है ना मायके वालों को, कि उनका भी चैनल चल जाता, वो भी ग्रोथ करके कमा के खाते, क्यों नहीं मतलब वो चीज सोची, मतलब चैनल का। तो उस चीज से थोड़ा सा वो चीज, मतलब मैं वो नहीं कह रही किसी को, गलत नहीं बोल रही यहाँ पे, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि इस चीज से इतना तो समझ में आता है, मेरा दिमाग ये चलता है कि उसके भैया ने मना कर दिया होगा, उसके भैया ने बोला होगा, सपना के भैया ने आज से 2-2.5 साल पहले, कि देख देख बहना, मैं अपने दम पे अपना चैनल चलाऊंगा, मुझे तेरे से सपोर्ट नहीं लूंगा, मैं अपने नाम से चैनल चलाऊंगा, ऐसा कुछ हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए सपना के भाई का चैनल पहले क्यों नहीं हुआ, सोच के देखिए, वायरल या कुछ भी प्रमोशन किया हो। तो इस चीज में मुझे सपना की फैमिली गलत नहीं लगती है बिल्कुल भी, मायके वाले, और मुझे वो उसकी दोस्त भी गलत नहीं लग रही है यहाँ पे, और इवन मुझे सपना भी गलत नहीं लग रही है यहाँ पे, क्योंकि सपना की सिचुएशन ऐसी है, उसको ससुराल से कहीं से कुछ सुनने को मिल जाए तो डर तो लगता ही है ऐसी सिचुएशन में। तो ठीक है, बस मुझे इतना बोलना था, लेकिन इसमें मुझे बुरा उस लड़की के लिए लग रहा है, उसकी दोस्त के लिए। हाँ, दे रही हूँ। उस बेचारी को इतना सुनने को मिल रहा है सोशल मीडिया में, उसकी इतनी इमेज खराब होगी, और उसकी कोई गलती भी नहीं है, है ना। उसकी गलती इसलिए नहीं लग रही मुझे, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कोई ऐसे स्क्रीनशॉट उठा के किसी का नहीं डाल सकता किसी और की परमिशन के बिना। ये बात आप खुद दिमाग लगा के सोच के देखिएगा। तो ऐसे ही बस, ठीक है, चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, ने पानी पीने, टेक केयर।